मैं अल्कोहलिक हूं या मेरे को ये नशा करने की आदत है, वो नशा करने की आदत है, क्या मैं सप्लीमेंट यूज कर सकता हूं? क्या मेरी बॉडी बन सकती है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली पर, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, परिवार है हमारा सप्लीमेंट्स विला परिवार। तो दोस्तों सभी से मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना देख रहे हैं आप कि किस तरीके से बड़ा रूप ले रहा है, बट डरने की जरूरत नहीं है। जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, विश्वास रखें और अननेसेसरी बाहर ना जाएं। और दोस्तों देखिए, कोरोना में सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ पर ध्यान ना दें, पॉजिटिव भी देखें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। सरकारें अपना काम कर रही हैं, वो करती रहेंगी, हमको भी जो है पॉजिटिव रहना है और जो है रिकवरी रेट वगैरह सब पे पूरा ध्यान रखें, ताकि आप कोरोना के लिए तैयार रह सकें। क्योंकि कोरोना नो डाउट बड़ा है, फैल रहा है, पर लड़ना हमें ही है और हम जीतेंगे भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक, एक कंफ्यूजन को लेकर जो कि अक्सर आती है, और स्पेशल एक सवाल आया है जिसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वो सवाल है, मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहूँगा फैमिली मेम्बर का, बट उन्होंने बोला है कि इस टॉपिक के ऊपर आप ज़रूर वीडियो बनाइएगा। और दोस्तों वो टॉपिक है कि मैं अल्कोहलिक हूँ या मेरे को ये नशा करने की आदत है, वो नशा करने की आदत है, क्या मैं सप्लीमेंट यूज़ कर सकता हूँ? क्या मेरी बॉडी बन सकती है? चाहे कोई भी नशा जो है कोई कर रहा है, मैं ये कहता हूँ सबसे पहले नशा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई आदत है तो मैं ये भी समझ रहा हूँ कि वो एकदम से नहीं छोड़ी जा सकती। जैसे जो ये सप्लीमेंट्स वाला फैमिली मेम्बर है, उन्होंने बोला कि ये अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो उसे चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या सप्लीमेंट ले सकता हूँ? क्या बॉडी बनेगी नहीं बनेगी? तो यहाँ पर हम जो है पर्टिकुलर अल्कोहल का नाम ना लेके नशे का नाम लेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का नशा है। अगर आपको हैबिट है उसकी, आदत है उसकी, तो क्या सप्लीमेंट लेने चाहिए? दोस्तों सप्लीमेंटेशंस हैं क्या चीज़, ये समझें, क्योंकि हमारे दिमाग में ये घुसा हुआ है कि सप्लीमेंट लेने का मतलब बॉडी बनना, ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट लेने का मतलब है कि आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे होना, उनकी जो भी आपको नीड है वो फुलफिल हो जाना, ये है सप्लीमेंट लेने का मतलब। और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पूरे हो गए आपके, चलो सप्लीमेंट आपने ले लिया, न्यूट्रिएंट्स आपने कवर कर लिए, प्रोटीन इंटेक कवर कर लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कवर कर लिया, फैट इंटेक, विटामिन मिनरल्स एक्स वाई जेड सारे न्यूट्रिएंट्स आपने कवर कर लिए, तो भी सिर्फ न्यूट्रिएंट्स कवर करने से बॉडी नहीं बनती है। आपको अपनी जितनी डाइट पे फोकस रखना है, उतना ही आपको एक्सरसाइज पे फोकस रखना है, गोल के हिसाब से एक्सरसाइज भी करना। तो सबसे पहले दिमाग से ये निकाल दो कि यार सप्लीमेंट लेने का मतलब बॉडी बनना नहीं होता ऐसा। सप्लीमेंट लेने का मतलब सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पूरे करना, बस मैं ये कह सकता हूं। और आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और अगर आप किसी नशे में हैं, जैसे अभी ये अल्कोहल को लेकर आया है, तो सबसे पहले मैं समझ रहा हूं कि वो आदत, मैं आपसे ये कह दूं कि नहीं नशा छोड़ो अभी छोड़ दो, और इससे ये बुरा होता है वो बुरा होता है, मैं कुछ भी समझा लूं आपको, मुझे पता है कि ये आदत जो सालों की है वो इजीली चुटकियों में नहीं छूटेगी, क्योंकि मैं कोई जादू चमत्कार तो यहां से कर नहीं रहा हूं कि मैं आपको जो है यहां से कोई जादू चमत्कार कर दिया, मेरे मेरे वर्ड्स में कोई जादू है, आपने कानों में सुने और नशा छूट गया, ऐसा तो होगा नहीं, मुझे भी पता है इस बात में। बट मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा नशे से ये नुकसान है वो नुकसान है, मैं सिर्फ आपसे कहूंगा कि जो भी नशा है आपको, आप स्लोली स्लोली उसे, जैसे जैसे आपने स्लोली स्लोली उसे बढ़ाया है, ऐसे स्लोली स्लोली उसे कम करें। आप वो पहली स्टेज ध्यान करें जब आपने जो है कोई नशा करना स्टार्ट किया था, अल्कोहल का जैसे एग्जाम्पल है, तो ऐसा तो नहीं था कि भाई पहली बार आपने जो है अल्कोहल कंजप्शन की और आपने जो है आधी बोतल या एक बोतल, मतलब जैसा कही कही जाती है, जो भी आपने जो है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी पी ली, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। धीरे धीरे आपने वो ग्रेजुअली जो है उसको आपने इंक्रीज किया। इसी तरीके से दोस्तों इसका रास्ता भी यही है कि धीरे धीरे आप उसे कम भी करें और उसे बिल्कुल नेगेटिव पर लेकर आए, कम से कम करें उसे। अगर आप डेली कंजप्शन करते हैं तो आप एटलीस्ट ट्राई करें कि हफ्ते में जो है आप 6 दिन करें, एक दिन का आप स्किप रखें, देन आप जो है 2-3 हफ्ते इस तरीके से करें, फिर आप जो है चौथे पांचवें हफ्ते से आप ट्राई करें कि एटलीस्ट 2 दिन, एटलीस्ट 3 दिन, फिर आप जो है इस तरीके से कर लें कि भाई वीकली, देन फिर आप जो है उसको मंथली, मतलब इसमें टाइम लगेगा, जैसे आपको एक स्टेज पर पहुंचने में जो है टाइम लगा है, ऐसे उतरने में भी टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल 2 साल। तो सबसे पहला काम तो ये कर। दूसरा काम मैं आपको बता देता हूँ, नुकसान तो आपको पता ही है यार कितने होते हैं कितने नहीं, हमारे लीवर में कितनी परेशानियाँ होंगी, और लीवर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है यार हमारे ओवरऑल मतलब बॉडी ग्रोथ से,
तो वो भी आप समझें इस चीज को, वो तो नुकसान होगा ही होगा। अब सप्लीमेंट की बात करें तो आप चाहे मतलब अगर नशा करते हैं जिसको आपको छोड़ना है, और मैं आपके साथ हूं इसके लिए, आपको उसको छुड़वाने में मैं साथ हूं, आप शेयर कीजिए सप्लीमेंट्स विला यहां पर परिवार, इसलिए हम, मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा और हम समझेंगे। अब बात करते हैं कि सप्लीमेंट ले ना ले, तो आप ले सकते हैं सप्लीमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। बस दिमाग में से यह निकाल देना कि सप्लीमेंट लेने का मतलब बॉडी बनना, नहीं, सप्लीमेंट लेने का मतलब न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट करना। हमारी बॉडी को प्रोटीन की भी जरूरत है, फैट की भी जरूरत है, कार्ब्स की भी जरूरत है। नशा करना ना करना वो एक अलग स्टेज हो गई है, बस स्टिल हमारी बॉडी की बेसिक नीड्स हैं ये सारी चीजें, न्यूट्रिएंट्स हमारी बेसिक नीड्स हैं। जैसे हम बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के, बिना पानी के नहीं रह सकते, ऐसे ही हम बिना जो है डाइट के, न्यूट्रिएंट्स के नहीं रह सकते, ये समझना है हमें। तो इसलिए नशा कर रहे हैं उसको धीरे धीरे खत्म करें, छोड़ें उसे, आदत को धीरे धीरे सुधारें और न्यूट्रिएंट्स अपने कंप्लीट करें, चाहे वो डाइट से करें, और सप्लीमेंट्स की अगर नीड है तो सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज पर पूरा फोकस रखें, जब आप अपना खाली समय जो है उसको एक्सरसाइज को दे देंगे तो दोस्तों आप देखेंगे खुद में ही, जैसे अभी कुछ दिन पहले वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें वीडियो आप देख सकते हैं, शेयर किया उन्होंने कि वो नशा कितना मतलब जो है छोड़ चुके हैं अपना, और एक्सरसाइज का नशा उन्होंने पाल लिया है। तो ये वीडियो देखें आप, आपको पता लगेगा। इसी तरीके से आप एक्सरसाइज का नशा पालें, अपने खाली समय को एक्सरसाइज में दे लें, तो आप देखेंगे खुद से ही आप इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। एक्सरसाइज अपने आप में एक नशा है यार, एक्सरसाइज अपने आप में ही मतलब जो है आपकी सारी गंदी आदतों को छुड़ाने का एक तरीका है, एक टूल है, एक सप्लीमेंट है, कुछ भी कह लो आप। तो इस तरीके से आप करें, और सप्लीमेंटेशन आप यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर कुछ सप्लीमेंटेशन के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन है, मैं कहता हूं नशे की वजह से कोई मेडिकल कंडीशन आ गई है, तो फिर आपको जो है पूछना चाहिए अपने फिजिशियन से पहले, अदरवाइज नॉर्मली आप जो है यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। बस डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट वगैरह इनका पूरा ध्यान रखें और धीरे धीरे नशे को भी कम करें। और ये वीडियो आप जरूर देखें, इसमें पता लगेगा कैसे उन्होंने नशा छोड़ा सप्लीमेंट्स वाला फैमिली से जुड़ने के बाद। आज के वीडियो में सीखने के लिए बार मिलेंगे, किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, किसी नई कन्फ्यूजन को लेंगे आपकी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।